वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फूड. मैं हूँ शामोली, इस फूड फिल्ड टूर की आपकी वन एंड ओनली कंपेनियन. रोटी, कपड़ा और मकान, हमारी बेसिक नेसेसिटीज में सबसे पहले नाम आता है खाने का. वी थ्राइव एंड सर्वाइव ऑन फूड. बट आई थिंक आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे इफ आई टेल यू कि आज फूड इज फार फ्रॉम बेसिक. घर और किचन के कन्फाइन से निकलकर फूड आज हो गया है मोर प्रोफेशनल, सोफिस्टिकेटेड एंड अवंतकार. ऐसी ही कुकिंग स्टाइल के फॉलोअर्स से आज हम मिलेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ फूड. गुड फूड फेड वेल, ये आइडियोलॉजी है हमारे ग्लोबली रेकग्नाइज्ड पैन एशियन शेफ की, जो आजकल सर्व कर रहे हैं इंडियन फूड विद अ ट्विस्ट दिल्ली के इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट में. जितनी एक्सपर्टीज इनकी क्यूजींस में है, उतने फैसेट्स इनकी पर्सनालिटी में है. मनीष मेहरोत्रा, अ शेफ, अ लर्नर एंड इनोवेटर, अ विनर. पिछले 17 साल से एशियन क्यूजीन को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं अपनी डाइवर्सिफाइड और इन्वेंटिव कुकिंग से. आइए, लेट्स पुट हिम अंडर द स्पॉटलाइट टुडे. चॉइस हो या पर्सनल लाइफ, जो चीज मनीष मेहरोत्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही वो थी कुकिंग. ही फॉलोड हिज हार्ट स्ट्रेट इनटू द किचन. उनकी स्टाइल ऑफ कुकिंग, उनकी एक्सपर्टीज, सब कुछ इंस्पायर्ड है उनके सिंपल और बेसिक थॉट पे. मेरे हिसाब से खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन उसके साथ में खाना खाना भी आना चाहिए और सबसे जरूरी चीज है खाना खिलाना आना चाहिए. फर्स्ट थिंग, फॉलो योर हार्ट, नेवर फॉलो अ रेसिपी. रेसिपी को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. अपना इनोवेशन उसमें इस्तेमाल कीजिए. घर में अगर कोई सामान नहीं है तो ये नहीं कि वो डिश नहीं बनानी है, कुछ और उसके अंदर कुछ कीजिए. मेरे हिसाब से आदमी खाता सबसे पहले आँख से है, उसका देखना है. सबसे पहली चीज़ देखने में अच्छी लगनी चाहिए आँख, उसके सूंघने में अच्छी लगनी चाहिए, फिर नाक, फिर तीसरा मुँह आता है, मतलब खाने में अच्छी लगनी. पेट में तो बाद में जाती है. सो दिखने में बहुत सुंदर लगनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन पे इम्पोर्टेंस देने का ये मतलब नहीं है कि खाने के टेस्ट में से कुछ गड़बड़ कर दी. इंडियन रेस्टोरेंट में आके अगर इंडियन खाना नहीं फील करे आदमी तो फायदा नहीं है उसका. इन्हें वेरियस ओकेजंस पे बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर के टाइटल से सराहा गया है, लेकिन पटना के पले बड़े मनीष कैसे बन गए एग्जीक्यूटिव शेफ? इस जर्नी में इन्वॉल्व्ड है इनकी कुकिंग की तरह बहुत सारे मजेदार इंग्रेडिएंट्स, कंटिन्यूस लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस से बनी उनकी ये रिमार्केबल जर्नी आज हर फूड लवर के लिए बन गई है एक बेंचमार्क. होटल में बहुत सारे शुरू में गलतियां होती थी, बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं. शुरुआत के कुछ दिन तो सिर्फ किचन में वॉक घिसते थे हम लोग, तेल के डब्बे के ऊपर में बैठ के कोकोनट ग्रेट करते थे, और शुरू में तो बहुत हाथ भी कट जाते थे. तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, फिर हमारे जितने भी शेफ ट्रेनिंग हुआ करते थे, हम लोग कॉम्पिटिशन लगता था. लाइव क्रैब आते थे, क्रैब खोल के छोड़ दिया रात में, लॉबी में पहुँच गया, गेस्टों के पबीच में क्रैब पहुँच गया. तो ये सब हरकतें बहुत होती थी. खाना दबा के खाते थे, स्पेशल अपने लिए बना बना के रात में, जब सारे शेफ चले जाते थे. बहुत मज़ा किया, लेकिन बहुत मेहनत की. होटल में बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के लोग आते हैं. कोई कुछ बोलता है आपका हाथ चूम लूंगा, कोई बोलता है हाथ काट दूंगा. जितनी डाउन टू अर्थ ये खुद हैं, उतना ही सिंपल है इनका अप्रोच कुकिंग की तरफ. पॉपुलर डिमांड्स हो या डेली रूटीन का कोई इंस्टेंस, इनका फूड इंस्पायर्ड है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाय एनीवन, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. किचन इज सच अ थिंग. जिसे हमारे एक डिश है पोटैटो स्पीयर चाट बोलते हैं, उसका आइडिया इस तरह से आया कि चाट वाले के यहाँ खड़े हुए थे और लेडी बोले जा रही थी
को, उस चाट बनाने वाले को, भैया टिक्की करारी करना, भैया टिक्की करारी करना, करारी नहीं की तुमने, करारी नहीं की तुमने। तो हमने कहा कि अच्छा ये टिक्की करारा का इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसका टेक्सचर का उसमें है। तो हम लोग ने अपनी वो पोटैटो स्पीयर चाट, पूरी चाट जो है टिक्की करारी करके क्रिस्प एकदम की हुई है। सो उससे टेक्सचर, तो दीज आर द थिंग्स जो डे टू डे लाइफ से आदमी को इंस्पिरेशन मिल जाती है। इतने सारे रोल्स को इतनी अच्छी तरह से निभाते हुए और सालों से अपनी कुकिंग के पैलेट को इतना इवॉल्व करते हुए शेफ मनीष मेहरोत्रा आज बन गए हैं इंडियन फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस के पायनियर। क्या कहना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट टू ऑल दोज हु लुक अप टू हिम? एक कोई इंसान अपने एक लाइफ टाइम में एक क्विजीन को भी आई थिंक मास्टर नहीं कर सकता। 21st सेंचुरी का शेफ खुले दिमाग का होना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जितना यू नो, जितना यू लर्न, यू शुड शेयर विद दैट। क्या हो रहा है दुनिया में उसकी जानकारी रखनी चाहिए। अपडेट योरसेल्फ। मनीष मेहरोत्रा को चुना गया है एज द बेस्ट शेफ बाय वीर सांगवी, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड HT सिटी क्रिस्टल अवार्ड्स, और ये टीवी पे एक फूड रियलिटी शो भी जीत चुके हैं। ही एक्सेल्स इन पैन एशियन एंड इंडियन क्विजीन बट विद अ ट्विस्ट, और करंटली इनके मिक्स्ड फ्लेवर्स और क्रिएटिव कुकिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं एट इंडियन एक्सेंट न्यू दिल्ली और ओरिएंटल ऑक्टोपस न्यू दिल्ली नोएडा लवासा। शुरुआत कैसी भी हो, If you have the fire in you to chase your dream until the end, to aap definitely succeed karenge. Chef Manish Mehrotra was always passionate about cooking. Aur jahan tak main jaanti hu, our country is full of culinary talent. Har dusre household mein ek amazing chef hai. Aapko sirf apni talent pehchanne ki deri hai. So while you go discover a new you, main leti hu ek chota sa break, but we will be back with some more fascinating food stories only on World of Food. वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फूड। आज हम बात कर रहे हैं फूड के अनकन्वेंशनल टेस्ट की। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आजादी के जमाने से चले आ रहे कोलकाता के इस फेमस रेस्टोरेंट में, जो अपने अनकॉमन टेस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड रेसिपीज के लिए देश भर में फेमस है। ये रेस्टोरेंट है कोलकाता का एक मस्ट स्टॉपओवर, बिकॉज दिस रेस्टोरेंट इज नॉट जस्ट अ फूड जॉइंट, ये है एक फैमिली ट्रेडिशन, एक लैंडमार्क। लेट्स विजिट अमीनिया। आजाद इंडिया की पहली सुबह यानी 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ अमीनिया। कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में लोकेटेड ये रेस्टोरेंट है पूरे शहर के बिरयानी फैंस का दी मोस्ट फेवरेट ईट आउट डेस्टिनेशन। सालों से चले आ रहे इस लैंडमार्क रेस्टोरेंट में दिया जाता है क्वालिटी और सर्विस को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। क्वालिटी अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मटन चिकन फर्स्ट क्लास। यहाँ पे बिरयानी अच्छा बनता है। फूड क्वालिटी हम लोग ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन उसका इतना बड़ा लैंडमार्क बनने का है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेशन सिचुएटेड इन कोलकाता। हम लोग के पास सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कस्टमर्स आके आराम से बैठ के खा सकते हैं और सर्विस बहुत फास्ट है। इनकी मुगलाई स्पेशलिटीज फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया। यहाँ की इन डिमांड डेलिकेसीज में इंक्लूडेड है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, केसरी फिरनी और पराठा। लेकिन जिस रेसिपी के लिए ये दूर दूर तक जाने जाते हैं वो है इनकी सिग्नेचर डिश पसंदा सीख कबाब, जो पूरे कोलकाता में सिर्फ यही सर्व करते हैं। और हाल ही में उन्होंने इंट्रोड्यूस की है अवधी बिरयानी। अवधी बिरयानी में 2 pieces ऑफ मटन और चिकन विद 1 piece ऑफ फ्राइड एग, 1 potato and rice, और chicken and mutton के कोफ्ता। First and most important policy regarding the food is that हम लोग सब ingredients fresh रखते हैं। हम लोग food quality बहुत constant रखते हैं। Old recipes है उसको alter नहीं करते हैं, और जैसे public का demand रहता है accordingly वैसे new items को हम लोग introduce करते हैं।
कोलकाता का ये सबसे पुराना रेस्टोरेंट बटा हुआ है तीन सेक्शंस में, जिनमें शामिल हैं दो एसी सेक्शंस फैमिली के लिए, एक नॉन एसी हॉल फॉर कॉमन सीटिंग और कुछ प्राइवेट कैबिन्स। ये एट अ टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं 350 लोगों को। कंपटीशन के साथ इवॉल्व भी होते रहना, लेकिन अपने शुरुआती तौर तरीकों को ना बदलना, यही है इस फूड जॉइंट का सीक्रेट टू सक्सेस, जो अमीनिया को कोलकाता का लैंडमार्क बनाता है। जब हम लोग ने ओपन किया था अराउंड 50 टू 60 इयर्स बैक, तब गिने चुने रेस्टोरेंट्स थे मुगलाई कुजीन में, अभी बहुत सारे हो गए हैं, तो कॉम्पिटिशन को हम लोग डरते नहीं है, उसको हेल्दी समझते हैं। बचपन से लेकर बचपन तक यहाँ के विजिटर्स हर एज में यहाँ के फूड को एंजॉय कर चुके हैं। हमारे कस्टमर्स इनफैक्ट बहुत लॉयल हैं, 3 to 4 जनरेशन के कस्टमर्स हम लोग के पास हैं। यहाँ की फेमस बिरयानी के फैंस में शामिल हैं कई बड़े बड़े नाम, जैसे कि इम्तियाज अली, सचिन तेंदुलकर और लेट MF हुसैन। अमीनिया लोकेटेड है न्यू मार्केट एरिया कोलकाता में। ये जगह फेमस है अपने इंडियन और मुगलाई खाने के लिए। ओवरऑल इस रेस्टोरेंट को हम रेट करेंगे फूड के लिए 4/5, एम्बियंस के लिए 3/5, सर्विस के लिए 4/5। सच में देयर इज नो मैच टू द टेस्ट ऑफ अमीनियाज बिरयानी। और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि बदलते टाइम्स के साथ इन्होंने अपने आप को भी इवॉल्व किया है, और अपनी कुकिंग में ये चेंज लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, whether you cook at home or in a 5-star kitchen। हमारा देश है एक परफेक्ट एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का, इतने सारे स्टेट्स, इतने लैंग्वेजेस और इतने सारे क्यूजीन्स। हमारा अगला क्यूजीन आया है एक ऐसी ही रिमोट रीजन से, कांगनी, जो कि है हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल प्रेपरेशन। रिसेंटली कांगनी क्यूजीन पे एक ऑनलाइन बुक लॉन्च हुई, आइए जानते हैं इस बुक और इस क्यूजीन के बारे में। It is a hidden secret of the Himalayas. सितंबर 2013 को एक अनोखे अंदाज में ऑनलाइन लॉन्च की गई कांगरी क्विजीन पर बेस्ड एक रेसिपी बुक, जिसका नाम है फ्लेवर्स फ्रॉम द कांगरा वैली। ये बुक इंस्पायर्ड है उन रेसिपीज से जिन्हें बनाया करती थी सरिता सूद। उनके जाने के बाद इस स्पेशल कुकिंग को अपने लिए और आने वाली जेनरेशन के लिए प्रिजर्व रखने की कोशिश कर रही है इनकी बेटियाँ। ये जो बुक है वो बेसिकली सूद कम्युनिटी के खाने की बुक है। कांगड़ा इज अ ह्यूज प्लेस, दिस बुक इज अ पार्ट ऑफ द कांगड़ा क्यूजीन, इट्स नॉट द होल कांगड़ा क्यूजीन इटसेल्फ। वी आर कमिंग फ्रॉम अ क्लैन विच इज वेरी डोमिनेंट इन द नॉर्थ, इन द कांगड़ा रीजन, तो वहाँ की हमारी टिपिकल रेसिपीज होती हैं। वेज खाने में वैरायटी नहीं मिलते इंडिया, वही आपको पालक पनीर मिलेगा या भुर्जी मिलेगी, लेकिन ये खाना वेज है और बहुत वैरायटी है इसमें। इस कल्चर को, इस क्विजीन को एक बुक में लिमिट कर पाने में काम आई बहुत से लोगों की मेहनत और इनपुट्स। कांगड़ा से हमने एक खास धाम का महाराज बुला के उसके साथ काम किया, बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी हम लूज ना करें। इस क्विजीन में कई सारे रेगुलर इंग्रेडिएंट्स को दिया जाता है एक नया जायका। ये ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, बहुत ही सिंपल, वेरी हेल्थी एंड फ्लेवरफुल। अगर आप खाना के रेसिपीज क्लोजली देखेंगे तो उसमें प्याज और टमाटर दोनों नहीं है। एक सिंपल इंग्रेडिएंट हीरो बन जाता है, वो सिंगल इंग्रेडिएंट को हर टाइम अलग बनाने को, जब आपके स्पाइसेस और फॉर्म सेम है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक होम। वैरायटी है इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब वी यूज अ लॉट ऑफ अमचूर। कांगड़ा टी की एक स्पेशल वे है उसको बनाने का, उसको किस तरह से पीते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड बादाम मिल्क। पम्पकिन इज समथिंग नॉट मेनी पीपल रिलिश, बट द वे वी मेक पम्पकिन
It's walnuts are used and everything, so it just changes the way pumpkin is looked at. अखरोट को पूरा जला देते हैं, पूरा जलाने के बाद उसका मसाला बनाते हैं। हम खिचड़ी बनाते हैं साथ में दही खाते हैं। इसमें हम दही को या छाछ को साथ में कुक कर देते हैं। Then we use a lot of sprouts, which is there in a lot of our recipes. So it's like it becomes like a full meal. इस बुक की यूनिकनेस को acknowledge किया गया है globally. मशहूर फिल्म डायरेक्टर तनुजा चंद्रा ने भी इस बुक के बारे में जाहिर किए हैं अपने thoughts. This is like a very handy book for people. For the coming generations, who, if they are not exposed to this cuisine, they then will probably, it will die off. Bring the culture home, bring Kangra home. With a book. इसे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट www.kangricuisine.com. इस बुक का इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1,650 रुपए. आई विश कि अपनी ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स और रेसिपीज को प्रिजर्व करने के लिए हम सब इतने इनिशिएटिव्स लें. अपनी ट्रेडिशनल क्यूजींस को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए हम सब में इतना एंथुजियाज्म होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप दीज रीजनल स्पेशलिटीज अलाइव. तो आप इस क्यूजीन को थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए व्हाइल आई टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फूड. अब जिस रेस्टोरेंट को हम विजिट करने वाले हैं वो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इटालियन रेस्टोरेंट, जो खुला था 2001 में. रितु डालमिया और गीता भल्ला का फाइन डाइन रेस्टोरेंट डीवा इटालियन. ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 एरिया का वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिक इटालियन टेस्ट एंड अ लॉन्ग एरे ऑफ वाइन्स टू चूज फ्रॉम. सो लेट्स चेक आउट डीवा इटालियन. A bottle of wine and two drunken friends. किसने सोचा था कि एक कॉन्वर्सेशन इंडिया को अपनी फाइनेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट देगा. रितु दालमिया और गीता भल्ला का ये अनकन्वेंशनल बिजनेस वेंचर डीवा इटालियन है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 एरिया का मोस्ट लव्ड इटालियन फूड जॉइंट. डीवा इटालियन इट्स माय फ्लैगशिप, द रेस्टोरेंट वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम, अ रेस्टोरेंट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट. यहाँ पे द फूड इज सीरियस इटालियन फूड. हियर आई प्ले अ लॉट विद द फूड. सारी जो मेरे को ट्रायल्स करने होते हैं, क्रिएटिविटी है, वो मोस्टली इस रेस्टोरेंट में आती है. लंदन के थेम्स वॉर्फ में लोकेटेड रिवर कैफे से इंस्पायर्ड इस रेस्टोरेंट का डेको आपको देता है एक बहुत ही कोजी और वार्म एटमॉस्फेयर. टू एंजॉय योर फूड टू द फुलेस्ट, डीवा इटालियन के वाइन कलेक्शन को फ्लॉन्ट करती हुई सेमी ग्लास वॉल हो या सटल और कम्फी लेदर काउचेस, सब कुछ बिल्कुल एप्ट है एक मेमोरेबल इवनिंग बिताने के लिए. वी डिडंट चूज अ डेकोर, एवरीथिंग इवॉल्वड. वी कहीं हम जाते थे, वी वुड पिक अप समथिंग, दिस विल बी नाइस इन द रेस्टोरेंट, कहीं और से. सो इट ऑल केम टुगेदर एज समथिंग व्हिच वाज अ यू नो पर्सनल इनपुट. True recipes, true ingredients, true flavors. You get everything authentic at Diva Italian. Italian khana is also one food जो हमारे Indian palates के लिए सबसे closest और most conducive है, because Italian खाने में tomato, garlic, lots of herbs. Flavors are strong, जो Indians पसंद करते हैं. यहाँ के मेन्यू में you will find things like scallops, you will find lobster, you will find cod. This is one restaurant जो season time पे you will find white truffles. यहाँ की varieties of course meals आपके taste buds को totally capture कर लेते हैं. Italian जो meals होती हैं वो एक पहले शुरुआत होती है antipasti के साथ, which is normally a salad or a cold cut or something जो आपकी भूख बढ़ाने के लिए होती है. Then comes the pasta course. So you get in your very small portion of carbohydrate, chahe wo risotto ho, rice base ya pasta ho, ya soup ho, ya gnocchi ho. And then comes the main course, which is normally a fish or a meat. Aaj ki tarikh mein jo hamare guests aate hain, khas karke Diva GK2 mein, I can't take them for a ride. They know exactly what they are ordering.
टाइम के साथ इटालियन क्विजीन ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना ली है. विद सो मेनी इटालियन रेस्टोरेंट्स ओपनिंग दीस डेज, हाउ डज डीवा इटालियन सर्वाइव ऑल द कॉम्पिटिशन? जब डीवा खुला था ये सिर्फ इट वॉज दी ओनली इटालियन रेस्टोरेंट आउटसाइड होटल. हर इटालियन रेस्टोरेंट खुलता, कोई भी नया खुलता था, मैं तीन दिन तक सो ही नहीं पाती थी कि अरे बाप रे बाप कॉम्पिटिशन आ गया. But I've also become older and wiser, and I've realized there's a big enough market for everyone. And also competition is healthy, because कुछ time के बाद ना हम सब थोड़े lax हो जाते हैं. जब competition आता है, suddenly you wake up and say, अच्छा चलो, time to relook at everything. आज Diva Italian एक नाम नहीं, एक icon है. Brilliance or perfection ka, but Chef Ritu has toiled a long way to make this happen. Let's know ki aajkal unka kya role hai is restaurant mein. Today, the role I play is more of conceptualizing the food, getting the menu standardized, and I'm very, very lucky. I have a very brilliant team. Diva Italian ne jeete hain kai sare awards. Diva Italian एक must visit authentic Italian restaurant. ये suited है आपके एक perfect fine dining experience के लिए. इस restaurant को हम rate करेंगे food के लिए 4.5 on 5, ambiance के लिए 4 on 5 और service के लिए 4 on 5. मैंने हमेशा देखा है कि अगर आप किसी चीज को लेकर passionate है तो you will never settle for the ordinary. आप उसे तब तक improve करते रहेंगे जब तक उसमें वो wow factor add ना हो जाए. तो आप भी अपने फूड में, अपने टेस्ट में उस वाव फैक्टर को ऐड कीजिए. फिलहाल वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का. फूड वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट हैपनिंग्स, अपडेट्स, पॉपुलर ईट आउट जॉइंट्स एंड सुपर कुक से मैं आपको मिलवाती रहूंगी. डू राइट इन टू अस विद योर फीडबैक एट wof@znetwork.com और यू कुड इवन लॉग ऑन टू आवर फेसबुक पेज व्हिच इज facebook.com/zkhanakhazana. अंटिल देन, दिस इज शामली सेइंग गुडबाय. सी यू अगेन ऑन वर्ल्ड ऑफ फूड. बहुत मजा किया लेकिन बहुत मेहनत की. कोई को तो बोलता है आपका हाथ चूम लूंगा, कोई बोलता है हाथ काट लूंगा. इट इज अ हिडन सीक्रेट ऑफ द हिमालयस. दो पीस एग प्लांट को रोल करिए रिकॉर्डर के साथ.